अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडीज़। दोस्तों मैं हूँ अरसलान शेख। दोस्तों आज की वीडियो कॉल रिकॉर्डर से रिलेटेड है। गाइस बहुत से दोस्तों को मसला आ रहा है कि कॉल रिकॉर्डर की जो न्यू अपडेट आई है उसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह या कॉल लॉग्स जो होते हैं जिसमें नेम या नंबर शो करता है, लाइक जिस तरह अभी मैं कॉल रिकॉर्डर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये मुकम्मल हिस्ट्री तो बता रहा है लेकिन यहाँ पर नेम वगैरह कोई भी शो नहीं कर रहा। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसको रिजॉल्व करूंगा। गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी सेटिंग जो है मुकम्मल ओके हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो दोस्तों मेरे चैनल आईटी स्टडीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। सो गाइस सबसे पहले तो मैं इसकी रीज़न आपको बताता हूँ कि किस वजह से कॉल रिकॉर्डर की जो कॉल लॉग्स या कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को ख़त्म कर दिया गया है। गाइस होता क्या था कि कुछ डिफरेंट कॉल रिकॉर्डर की जो एप्लीकेशन थी आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन लेकर आपके कॉन्टैक्ट्स का जो डाटा था वो डिफरेंट किस्म की डाटाबेस कंपनीज को सेल कर देती थी। लाइक अगर आपने कभी ट्रू कॉलर या इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन यूज़ की हो तो आप देखते थे कि कोई भी नेम जो है आप नंबर मिलाते हैं तो उसका नेम शो हो जाता है। तो गाइस ये इन्हीं कॉल रिकॉर्डर्स की जो एप्लीकेशन से जो है वो डाटा खरीदती थी, जिसकी वजह से प्ले स्टोर ने इनकी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन को ख़त्म कर दिया है। अगर आप गाइस इसको अपना दोबारा ऑन करना चाह रहे हैं तो गाइस इसका सिंपली तरीकाकार ये है कि आपने सिंपली गूगल पर जाना है और गूगल पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल रिकॉर्डर एपीके ओल्ड वर्ज़न। यहाँ पर गाइज आपने कोई भी कॉल रिकॉर्डर का ओल्ड वर्ज़न जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। कितना ओल्ड होना चाहिए गाइज, यहाँ पर मैं अगर वेबसाइट को ओपन करता हूँ, लेकिन गाइज इससे पहले जो आपने कॉल रिकॉर्डर अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया होगा प्ले स्टोर से उसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल में। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है androidapkfree.com, तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद अब ये देखें लेटेस्ट जो मेरे पास अपडेट है वो 6.11 है। लेकिन गाइस आपने सबसे जो ओल्ड वर्जन है इसका सबसे लास्ट पर अगर हम चले जाते हैं तो कॉल रिकॉर्डर 5.30, ये इसका ओल्ड वर्जन है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड एपीके के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अब ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, इसको मैं करता हूँ ओपन और मैन्युअली इसको अपने मोबाइल में अपने इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग को गाइस एंड तक फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट की जो मसला आ रहा था वो इसका सलूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने वेट करना है। अब ये मेरे पास ऐप इंस्टॉल हो गई है, इसको हम करते हैं ओपन और लाइट यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब ये पहले तो 4 परमिशन यहाँ पर लेता था लेकिन ये ओल्ड वर्जन में 5 परमिशन लेगा, जिसमें आपके नंबर 5 पर जो है यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट की परमिशन जो है आपने इसको अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद अब मैं वापस कॉल को किसी भी नंबर पर जो है तो यहाँ पर 123 इस नंबर पर कॉल करते हैं और देखते हैं कि मेरे मोबाइल में जो है नंबर वगैरह। अब ये देखेंगे यहाँ पर ये नंबर 123 शो हो गया। इस तरह अगर आप किसी कॉन्टैक्ट पर भी कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के बाद कॉल रिकॉर्डर को ओपन, अब ये देखें यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट का नेम भी शो कर दिया है और नंबर भी अगर आपने कोई मिलाया होगा तो वो शो कर देगा। गाइज आपकी मुकम्मल सेटिंग जो है वो ओके हो जाएगी। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल आईटी स्टडीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।